गोवा में बारिश, बारिश में सेल्टोस और सेल्टोस में बैठने वाले हम. किया सेल्टोस इज इन गोवा एंड वी आर गोइंग टू टेस्ट ड्राइव इट. हाय गाइस, आई एम क्रांति संभव, वेलकम टू टाइम ड्राइव. लेकिन कहानी की शुरुआत करते हैं शुरू से. कहानी शुरू हुई अर्ली मॉर्निंग. ऑब्वियसली बारिश का मौसम हो या गर्मी का मौसम, वी हैव टू गेट ऑल दीज रिव्यूज फॉर यू. और वही हमने शुरू किया. सुबह में बारिश थोड़ी कम थी और उसके बाद काफ़ी तेज़ हो गई. बट बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस कार, इट्स परफॉर्मेंस, इट्स फीचर्स, लेट्स यू नो पॉज फॉर अ बिट और देखें कि उस अंधेरे में, कम रोशनी में किस तरह से निखर कर आ रही थी इस किया सेल्टोस की खूबसूरती. बारिश तो वहाँ गोवा में काफ़ी हो रही थी जहाँ पर हम सेल्टोस चला रहे थे. बट उस बारिश की वजह से हम कोई भी पॉइंट इस टेस्ट ड्राइव की फिसलने नहीं देंगे और इस वजह से मैं इस स्टोरी में आपको बार बार इंटरप्ट करने वाला हूँ. अब टाइगर नोज ग्रिल के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन किया इसके लुक्स या अपनी गाड़ियों के लुक्स के ऊपर कितनी डिटेल में काम करती है वो इनके नाम से हम समझ सकते हैं. जैसे कंपनी ने अपने हेडलैम्प को नाम दिया है क्राउन ज्वेल हेडलैम्प स्टाइल. इसके अलावा DRL जो है वो हार्ट बीट थीम DRL लाइट है और ये लाइट आपको यहाँ तक नज़र आती है फ्रंट ग्रिल के ठीक ऊपर तक और वो काफ़ी कूल नज़र आता है अंधेरे में जैसा हमने देखा था. इसके अलावा आइस क्यूब शेप्ड आपको फॉग लैम्प्स भी मिलेंगे. तो लाइट्स का नामकरण यहाँ पर काफ़ी हो रहा है बट एट द सेम टाइम दिखने में भी ये काफ़ी कूल और काफ़ी डिस्टिंक्ट ज़रूर लग रहे थे जैसा आपने शायद हमारे विजुअल्स में भी अभी देखा होगा द फुटेज वी गॉट व्हेन वी ड्रोव दिस इन द डार्क. ओवरऑल लुक डिस्टिंक्ट लग रही है, स्पोर्टी भी लग रही है और बहुत कॉम्पैक्ट नहीं लग रही है. अगर आप केवल इसको क्रेटा के मुकाबले ही खड़ी करके देखें उस हिसाब से इट्स लुकिंग एक्चुअली बिगर. प्लस यू लुक एट व्हील आर्चेस, ये भी उभरे हुए हैं पिछले हिस्से तक कि शोल्डर बाहर की तरफ उभरा हुआ है. ओवरऑल लुक जो है वो यहाँ काफ़ी स्पोर्टी और टॉल आपको ज़रूर दिख रहा है. विद माई हाइट एज वेल आपको ठीक ठाक इसकी हाइट भी नज़र आ रही है. पिछले हिस्से में भी काफ़ी सारे लाइट्स के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे और अलग अलग पैटर्न वाले, चाहे टेल लैंप में यहाँ लगा हो या फिर इस क्रोम स्ट्रिप में जहाँ पर बीच में किया की बोल्ड बैजिंग है यहाँ पे भी आपको लाइट देखने को मिल रहा है. प्लस भारत 6 यानी ये BS6 इंजन है और ये BS6 रेडी नहीं बल्कि BS6 इंजन है. इन केस यू वांटेड टू आस्क और यू हैड दिस क्वेश्चन इन योर माइंड कि क्या किया सेल्टोस BS6 वर्जन में आ रही है, अभी से ही तीनों ही इंजन BS6 आ रहे हैं. वहीं लाइट का इस्तेमाल यहाँ भी इस स्पॉइलर के नीचे आप देख सकते हैं छुपा हुआ लाइट. अब बारी है अंदर जाने. तो ये वो इलाका है जहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं था सेल्टोस अंदर से कैसी दिखती है और अंदर क्या क्या फीचर्स नज़र आ रहे हैं. एंड लेट्स स्टार्ट. स्टीयरिंग व्हील के ऊपर नज़र आ रहे हैं, हाँ क्रूज कंट्रोल का बटन है, मोड्स के बटन है. लेफ्ट साइड में आप अपने ऑडियो और बाकी वॉइस कमांड के लिए जो बटन्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं. स्मार्टफोन कनेक्टिविटी या फ़ोन कॉल या कट करने के लिए इसका इस्तेमाल आपको हो सकता है. जो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आप बहुत सारी जगहों के ऊपर सुनते होंगे, कई कार कंपनियों के ब्रोशर में किया इज कॉलिंग दिस डी शेप्ड स्टीयरिंग जहाँ पर नीचे आपको फ्लैट नज़र आ रहा है. इसके नीचे आप यहाँ पर रीच के लिए भी, रेक के लिए भी इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं. तो वो एडजस्टेबल आपको स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है. प्लस यहाँ स्पेस का जो फील है वो मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है. विथ माई हाइट इज़ वेल यहाँ मुझे काफ़ी स्पेशियस है ये पूरा माहौल लग रहा है. दैट इज़ समथिंग विच इन कस्टमर्स वुड डेफिनेटली लाइक, स्पेशली द टॉल कस्टमर्स. अब इसके बाद बात है इस इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल की. यहाँ पर दो जो डिस्प्ले है, चाहे वो टैकोमीटर हो, स्पीडोमीटर हो, फ्यूल गेज और इंजन टेम्परेचर, ये सभी आपको एनालॉग देखने को मिलेंगे. बीच में एक 7 इंच का आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा. वहाँ बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है जैसे फ्यूल इकोनॉमी या कंपास देख सकते हैं. जो टायर प्रेशर है उसका मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें दिया गया है. प्लस यू कैन लुक एट द रेंज इज वेल, द काइंड ऑफ फ्यूल यू हैव, द अमाउंट ऑफ फ्यूल यू हैव, कितनी दूर तक आप जा सकते हैं. एंड देन वी टॉक अबाउट दिस स्क्रीन जो सबसे बड़ा स्क्रीन है इस कार में. हालांकि एक और स्क्रीन है जो इस वाले वेरियंट में नहीं है, दैट इज़ हेड अप डिस्प्ले. और हेड अप डिस्प्ले इज अगेन दैट साइज जो कि अपने सेगमेंट या बाकी बड़ी सेगमेंट की गाड़ियों से भी ज़्यादा बड़ा बेहतर है जैसा कि किया का दावा है.
If you talk about this screen, ये 10.25 इसका साइज़ है और काफ़ी बड़ा ये साइज़ ज़रूर देखने को मिलेगा और अपने स्क्रीन पर भी आप अगर देखें तो ये इस प्रोपोर्शन के हिसाब से साइज़ आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है। इसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारे हैं। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो है छोटे छोटे जो मेन्यूज़ के ऑप्शन या आइकॉन्स यहाँ नीचे देखने को मिल रहे हैं। कंपास है यहाँ, आपके मीडिया का डिस्प्ले है और दूसरी साइड आपको ये नेविगेशन भी देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा आपको टॉगल या शफल नहीं करना पड़ेगा टू गेट फ्रॉम वन ऐप और वन इंफॉर्मेशन टू अनदर। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपके इस स्क्रीन पर होम बटन में ही आपको देखने को मिल रही हैं। यू हैव मीडिया, रेडियो, नेविगेशन, मैप, वॉल्यूम कंट्रोल एंड सेटअप बटन्स ओवर देयर। सो दिस इज़ अ टच स्क्रीन इन केस यू वंडरिंग। और यहाँ पर पावर का बटन भी है। ऑल मेन्यूज़ में अगर हम जाएँ तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहा है। साउंड मूड, सो विथ म्यूज़िक डिफरेंट काइंड ऑफ मूड लाइटिंग वो ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा, विच इज़ इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर बहुत सारे कस्टमर्स जो कार लवर्स हैं या म्यूजिक लवर्स हैं, दे विल एंजॉय दिस। देन यू हैव यू ऐप जस्ट लाइक एम जी एक्टर या Hyundai वेन्यू जो कनेक्टिविटी ऐप आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। सिमिलर थिंग यू वो और फीचर्स भी लगभग आपको काफ़ी सिमिलर देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कनेक्टेड कार दैट वेज। बस यहाँ पर आप SOS ब्रेकडाउन या फिर यूवो के कॉल सेंटर से बात करने के लिए तीन बटन्स आपको इस रिव्यू मिरर में नीचे देखने को मिलेंगे। और यूवो के बाद जो एक इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव फीचर दैट इज स्मार्ट प्योर एयर जो इनबिल्ट है इसमें, अंदर कार के अंदर जो एयर क्वालिटी है उसको साफ करने के मेकानिज्म है और इसे आप यहाँ देख सकते हैं। फिलहाल 13 और 12 AQI लेवल दिखा रहा है यहाँ पर गोवा में, और साथ में परफ्यूम का भी ऑप्शन, सो आई कैन स्मेल इट इज़ वेल। तो कार के अंदर आप डिओड्राइज भी आपको ये खुद से करती हुई कार नज़र आई है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग और इंडियन कंडीशन में अब बहुत रेलेवेंट हो गया है, बिकॉज वी आर ऑल स्ट्रगलिंग विद अ काइंड ऑफ पॉल्यूटेड एयर। और वहाँ मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग अब इसके बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर चुके हैं। सो दिस ऑल्सो कम्स विद लॉट्स ऑफ वॉइस कमांड्स जो इनबिल्ट हैं। डिफरेंस बस ये है कि आपको एम जी हेक्टर की तरह हेलो एम जी नहीं बोलना पड़ता है, बट आप कुछ कमांड्स देंगे और ये कार अपने आप उसे फॉलो करेगी, उस कमांड को मानेगी। अब बात करते हैं इसके लेआउट की, डिज़ाइन की। डैश आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, स्मार्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रीमियम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बीच का जो पैनल है वो आपको लेदर फिनिश टाइप की फील ज़रूर दे रहा है और वो आपको थोड़ा सा प्रीमियम ज़रूर लगेगा। सो ओवरऑल स्मार्ट है। AC vents का डिज़ाइन भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, काफ़ी ठीक ठाक तरीके से हवाई फेंकती है। यहाँ पर वायरलेस चार्जर आपको देखने को मिलेगा, 12 वोल्ट पॉइंट है, USB का एक पॉइंट है, दूसरा एक और पॉइंट USB आप चार्ज के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ोन रखने के लिए यहाँ पर जगह आपको मिलेगी। वेंटिलेटेड सीट्स दोनों आपको फ्रंट देखने को मिल रही है और इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट रिमूवल के लिए या उससे बचने के लिए आपके पास ये एक्स्ट्रा कैमरा भी दिया गया है। दिस इज द मैनुअल वर्जन, सो आप यहाँ गियर शिफ्ट देख सकते हैं। प्लस इंटरेस्टिंग शेप में, बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप में आपको स्पीकर्स के कवर देखने को मिलेंगे और स्पीकर्स जो हैं वो बोस के इसमें फिट किए गए हैं। जो टॉप एंड वर्जनस हैं उसमें बोस के स्पीकर्स और ट्वीटर्स होंगे। वॉइस क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी इज़ रियली गुड, मुझे काफ़ी पसंद वो क्वालिटी ज़रूर आया है। जैसा मैंने बताया कि सेल्टोस दो ट्रिम लेवल में या ट्रिम लाइन में आएगी, GT लाइन और टेक लाइन। और वहाँ अगर टेक लाइन की बात करें तो इनके सीट्स जो लेदरेट हैं, स्पोर्ट्स यानी GT लाइन में भी लेदरेट है, बट जो डिज़ाइन है उसमें पाइप्ड है और इसमें हनीकॉम जैसा डिज़ाइन दिया गया है। इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत अलग सा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और जो ये ऑफ वाइट कलर है वो भी आपको अच्छा सा ज़रूर इसमें लगेगा। ओवरऑल मुझे स्पेशियस फील हो रही है, स्पेशियस है भी। सनरूफ के बारे में कैसे नहीं जिक्र कर सकते, सनरूफ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अब बारी है सेकेंड रो की, किया सेल्टोस के सेकेंड रो में जगह कैसी है, क्या कुछ फीचर्स हैं, आपके काम की हैं या नहीं है, और तीन लोग बैठ सकते हैं या नहीं। यहाँ पर पहले तो एक इंसान की बात करें, एंड फुट मूवमेंट काफ़ी ठीक है, नी रूम मुझे ठीक ठाक अच्छा मिल रहा है। इसके अलावा थाई सपोर्ट थोड़ा सा और बेटर रहता तो अच्छा रहता, और बैक एंगल इसमें कुछ ज़्यादा ही स्लैंटेड मुझे नज़र आ रहा है। तो अभी इफ़ यू टॉक अबाउट सिटी ड्राइविंग, वहाँ पर आमतौर पर हम थोड़े से ज़्यादा अपराइट बैठते हैं, बट लॉन्ग ड्राइव के लिए आई थिंक यू माइट लाइक इट। बट या हेडरूम मेरे हाइट के हिसाब से भी अच्छा है। ओवरऑल स्पेशियस फील जो अगली सीट में है वही स्पेशियस फील आपको दूसरी सीट में भी मिलेगी, दूसरी रो में भी मिलेगी। तीन लोगों के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। जो सीट है वो भी लगभग फ्लैट आपको देखने को मिलेगा, बीच में टनल नहीं है जिससे कि आप पाँव रखने या तीसरे पैसेंजर के पाँव रखने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आर्म रेस्ट के अंदर आपको दो कप होल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। देन यू हैव
दिस स्मार्ट प्योर एयर इंडिकेटर यहाँ पर 23 हो गया. वाओ, आई थिंक हमारे बोलते बोलते या गाड़ी के अंदर ही मैंने शायद कार्बन डाइऑक्साइड इतना दिया है कि 24 अब देखने को मिल रहा है. देन यू हैव वेंट्स जिसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा USB पॉइंट, आपको चार्जिंग पॉइंट दिया गया है. फ़ोन रखने की आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग जगह दी गई है. सामान रखने की, बॉटल रखने के लिए भी काफ़ी जगह आपको यहाँ देखने को मिल रहा है. प्लस एक्स्ट्रा ब्लाइंड आपको यहाँ मिल रहा है. दैट इज़ कूल. आई थिंक सेकेंड रो एक्सेप्ट फॉर दिस बैक एंगल आई एम लाइकिंग इट. काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी खुला खुला सा यहाँ पर आपको महसूस होता है. अब लगेज स्पेस कितना है, लेट्स सी, वही चेक करते हैं. और अब लगेज स्पेस, और हाँ जो फिगर है दैट इज 433 लीटर्स. और ये मुझे अच्छी जगह लग रही है, जिस हिसाब से आगे पूरे कैबिन में जगह बनी है उस हिसाब से आई एम इम्प्रेस्ड विद द होल स्पेशियसनेस ऑफ दिस कार. तो ये है कहानी इसके लगेज स्पेस की. और ये वाला हिस्सा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज बहुत सारे वेरिएंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं. 3 इंजन ऑप्शंस है, और उस इंजन ऑप्शन की अगर बात करें, सबसे पहले 1.5 डीजल VGT की बात करें तो इसमें 113 BHP यानी 113 BHP की ताकत है. टॉर्क है 250 न्यूटन मीटर का. और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो ऑटोमेटिक वर्जन जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक है उसकी जो टेस्टेड माइलेज है 18 KMPL है, और जो GMT वर्जन है मैनुअल ट्रांसमिशन उसकी 21 KM/L की माइलेज मापी गई है. और अब बात करते हैं 1.4 लीटर GDI पेट्रोल इंजन की. इसकी जो ताकत है 138 BHP की है, और जो टॉर्क है वो 242 न्यूटन मीटर का है. इसके अलावा अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, उसमें DCT ऑप्शन और मैनुअल ऑप्शन दोनों है. DCT का जो माइलेज है या फ्यूल एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है मैनुअल से, 16.5 है DCT का, और GMT की फ्यूल एफिशिएंसी 16.1 है. वहीं अगर 1.5 पेट्रोल वर्जन की बात करें तो उसमें ताकत है 113 BHP की, टॉर्क है 144 न्यूटन मीटर का, और जो IVT जो ट्रांसमिशन है उसकी एफिशिएंसी 16.8 है, और जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसकी 16.5 है. सो नाउ आई हैव स्टार्टेड ड्राइविंग दिस सेल्टोस, और यहाँ पर बात करेंगे इसके ड्राइव. We drove the diesel version of Kia Seltos, और transmission इसका manual है जो version मैं चला रहा हूँ. और उसके performance की अगर मैं बात करूँ तो एक interesting combination मुझे नज़र आ रहा है. Overall feel आपको हल्की सी rugged ज़रूर महसूस होगी, और because of this weather काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी. कुछ एक अच्छे लोकेशन जहाँ पर पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल था, वहाँ पर गाड़ियों को ऊपर नीचे ले जाना काफ़ी मुश्किल था, और वहाँ पर हल्की सी ऑफ रोडिंग ज़रूर हुई. एंड दिस कार परफॉर्म वेल. तो उस हिसाब से मुझे, भले ही आप इस सेगमेंट में आमतौर पर सबसे पहले अगर बात करें तो अर्बन SUV की बात करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग ये करती हुई नज़र आई. एज़ फार एज़ परफॉर्मेंस इज़ कंसर्न, जो इंजन की कैपेबिलिटी है उस हिसाब से जो ग्रंट है थोड़ा सा और अगर होता तो ये और मज़ेदार उस इलाके में होती. बट अर्बन माहौल में जो समतल सड़कें हैं, आराम वाले ड्राइव है, वहाँ पर इसने परफॉर्म अच्छा किया है. थोड़ी बहुत चढ़ाई के ऊपर हाँ आपको गियर शिफ्ट करना पड़ता है शुरुआती RPM के ऊपर थोड़ी सी, और ये टॉर्क की इसका अगर नेचर होता तो और ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस होती. नॉट दैट इट कैन नॉट परफॉर्म, लेकिन आपको ये महसूस होता कि हाँ इसका वज़न है, गाड़ी बड़ी है, थोड़ी सी और ताकत होती तो वहाँ पर आप ज़रूर महसूस करते कि हाँ गुंजाइश ज़रूर है थोड़ी ताकत की. बट Having said that, overall package, I think it's very solid as far as driving refinement is concerned, braking, handling, और जो इसके suspension का setup है, package मुझे काफ़ी अच्छा ज़रूर इसका लगा है.
वैसे इस शूट के बाद जब शूट हमने ख़त्म कर लिया उसके बाद थोड़ा वक्त मिला और मैंने जो 7-speed DCT वाला ऑप्शन था वो मैंने चलाया और उसका परफॉर्मेंस इंटरेस्टिंग था, उसके बारे में ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा। वो परफॉर्मेंस ऐसा था जो मुझे काफ़ी स्मूथ लगा, पावर की जो डिलीवरी थी वो भी आपको स्मूथ लगेगी, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है, बहुत ज़्यादा आपको टॉर्की वो फील नहीं होगी, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पेट्रोल वर्जन जो कि अर्बन SUV के तौर पर अच्छा परफॉर्म करे, आई थिंक दैट ऑप्शन इज रियली गुड। एज अ पैकेज अभी मुझे काफ़ी सॉलिड लग रही है। 13 कलर ऑप्शन, आप सोचिए 16 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अग्रेसिव है, वो ग्राहकों को छोड़ने वाली नहीं है। अगर आप एक बार शोरूम में आएँ कुछ ना कुछ आपको लेकर ही जाना पड़ेगा। और कंपनी ये भी सोचिए कि हाँ इन्हीं से एक थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किस तरह के पैकेज ग्राहक ज़्यादा पसंद करते हैं। तो और प्रिसाइज अगर आपको जवाब चाहिए तो फिर मैं ये कहूँगा कि बिंदु विश्राम इसकी प्राइसिंग पर करने वाली है। अगर किया ने इसकी प्राइसिंग प्रिसाइज की तो फिर हम ज़रूर कहेंगे कि अगर आप इस तरह के किसी SUV के लिए इंतज़ार कर रहे थे जहाँ क्रेटा और दूसरी तरफ हेक्टर है बावजूद इसके, तो फिर मुझे लगता है कि आप सही कर रहे थे, क्योंकि एज अ पैकेज किया ने काफ़ी अच्छा पैकेज तैयार किया है। नॉट अ बैड जोक। बाय बाय।